आपने तो ये जानते होंगे कि ट्रेन का टिकट कैसे करना होता है, तो उसका अगर आपने वीडियो नहीं देखा होगा तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से देखकर ये मालूम कर सकते हैं कि ट्रेन का टिकट कैसे करते हैं। तो सो गाइस, आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि कैसे आपको हवाई जहाज़ के टिकट कैसे करते हैं और कैसे उसको कन्फर्म किए हुए टिकट को कैंसिल करते हैं। तो सारी प्रोसेसिंग वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ, तो प्लीज़ वीडियो को इन तक आपको देखना पड़ेगा। और अभी तक चैनल को हमारे पर नए हो और अभी तक नहीं जुड़े हुए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए इसी तरह की टेक्निकल वीडियो यहाँ पे आपके पास मिलता रहेगा। तो चलिए बिना वक्त जाए कि आपकी वीडियो को मैं स्टार्ट करता हूँ। देखिए, मैंने अपने मोबाइल को शेयर के स्क्रीन कर दिया है, तो इमेज वाइज मैं आपको बताऊंगा कैसे आपको हवाई जहाज़ का टिकट को कंफर्म करते हैं और कैसे उसको कैंसिल करते हैं। तो सारी प्रोसेसिंग बताने वाला हूं, तो प्लीज़ ध्यान से सुनिएगा कैसे आपको टिकट को कंफर्म करते हैं। तो जैसे आपको पेटीएम को ओपन करेंगे, और अगर पेटीएम को लॉगिन करना नहीं जानते, इसको यूज करना नहीं जानते तो उसका वीडियो मैं बना चुका हूँ, तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप वहाँ से देख सकते हैं पेटीएम को यूज कैसे करते हैं और लॉगिन कैसे करते हैं, और इसका मैं लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए, मैं आपको पेटीएम को आपको ओपन करना है, जिस तरह का पिक्चर आपको दिखाई देगा। यहाँ पे पिक्चर दिखाई देने के बाद से आपको क्या करना है कि जैसे सेकंड वाले ऑप्शन को यहाँ पे क्लिक करेंगे, जैसे इस क्लिक करने के बाद से हवाई जहाज वाला ऑप्शन यहाँ पे दे दिया गया, तो इसको क्लिक करते ही आपके पास इस तरह का पिक्चर आपके पास आ जाएगा। तो आपको फॉर्म पर लिखना है जिस एयरपोर्ट से आपको हवाई जहाज को पकड़ना है, उसको यहाँ पर फॉर्म पर लिखेंगे और इसको आपको जहाँ तक आपको जाना है, जिस आपको जहाँ जिस एयरपोर्ट पर आपको जाना है उस एयरपोर्ट का नाम यहाँ पे लिख देंगे, टाइप कर देंगे। यहाँ पर करने के बाद से आपको डेट को चूज कर लेना है, आपको किस डेट को कहाँ जाना है वो आपको डेट को चूज करते हैं, और ज़्यादा समय लेंगे तो ज़्यादा आपको प्राइज लगेगा, डेट वाइज आपका ज़्यादा यहाँ पे जैसे जिस तरह का डेट आपको चूज करेंगे उस तरह का प्राइज अलग अलग यहाँ पर आपको मिलेगा। तो आपको डेट यहाँ पर चूज कर लेना है, चूज करते ही आपको यहाँ पर क्या करना है कि आपको जैसे चूज करने के बाद से किनारे वाला ऑप्शन दिख रहा है, तो जैसे मैं एरो दिखाया हूँ तो इसको आपको क्लिक करेंगे, क्लिक करते ही आपको यहाँ पर मिल जाएगा। अगर आपको 2%, 3%, 4% जितने भी परसेंट का आपको टिकट करना है तो यहाँ पे प्लस वाले आइकन को क्लिक करेंगे, अगर आपके पास कोई बच्चा है तो आपको प्लस वाले नीचे वाले आप दूसरे नंबर को ऑप्शन को क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे आप दूसरे वाले क्लास की बारी आती है कि क्लास में आपको क्या क्या मिलेगा, इकोनॉमी, प्रीमियम इकोनॉमी, बिजनेस। तो आपको जिस तरह का यहाँ पर तीन आपको क्लास मिला है, तो पहले वाले क्लास का कम प्राइज है, दूसरे वाले को ज़्यादा प्राइज है इकोनॉमिक से, और दूसरे वाले को तीसरे से मतलब कम प्राइज है, मतलब सबसे ज़्यादा आपका प्राइज आपको तीसरे वाले बिजनेस में मिलेगा क्लास का। तो यहाँ पे आपको इकोनॉमी करना चाहते हैं तो इकोनॉमी को क्लिक करेंगे, तो यहाँ पे इकोनॉमी को क्लिक करते ही आपको यहाँ पे जैसे और रोबोट का यहाँ पे देख रहा है, आई एम नॉट रोबोट, तो आपको वहाँ पे क्लिक करेंगे और सर्च पर क्लिक कर देंगे। सर्च पर क्लिक करने के बाद से आपको दो यहाँ पे ट्रेन का आपको दो हवाई जहाज का आपको दे दिया गया है, तो आपको यहाँ पे पहले वाले को क्लिक करेंगे, पहले वाले को क्लिक करते ही आपके पास से यहाँ से टाइमिंग उसका बता देगा कहाँ आपका वो टाइमिंग है, तो टाइमिंग यहाँ पर आपको बता देगा। टाइमिंग को बताते ही आपको यहाँ पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर क्लिक करने के से आपको लगेज बता देगा कितने लगेज आपको पास ले जा सकते हैं। तो यहाँ पे आपको नोटिफिकेशन मतलब इन्फॉर्म कर रहा है कि क्या क्या आपको चाहिए, तो यहाँ पे कुछ आपको बताना नहीं है। आपको 7 kg आपको हैंडबैग वाले ले सकते हैं, और आपको लगेज कोई लेकर जाना है तो आपको 15 kg मतलब 15 kg से ज़्यादा आपको लगेज नहीं ले जा सकते हैं। तो यहाँ पर आपको कोई नीचे वाले जैसे एरो दिया है आपको यहाँ पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर क्लिक करते ही आपको लगेज यहाँ पर आपको बता देगा कैस किस, अगर आप लोग लगेज बढ़ाना चाहते हो तो आपको प्राइस भी बढ़ेगा, तो यहाँ पे आपको प्राइस बढ़ जाएगा। उसके बाद से आपको जो इन्फॉर्मेशन आपको जो डॉक्यूमेंट आपको यहाँ पे मांगेगा वो आपको फिलअप कर देना है, फिलअप करते ही ऑप्शन आ जाएगा, उसके बाद से कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। कंटिन्यू पर क्लिक करने के बाद से आपको तीन ऑप्शन आपको हवाई जहाज के रूल आपको बता रहा है कि तीन आपको ऑप्शन अगर कहीं आपके पास साथ हो जाता है तो क्या क्या होगा, मतलब पहले वाला अगर आपके बैग की चोरी हो जाती है तब भी आपको प्राइज मिलेगा, अगर आपका हवाई जहाज डीले है तब भी आपको प्राइज मिलेगा, अगर बाई चांस आपके एक्सीडेंट हो जाता है तब भी आपको प्राइज मिलेगा। तो इसीलिए ऐसा होता नहीं है, कभी कभार आपके पास एयरप्लेन में मतलब क्रैश होने के कारण उसमें आग लग जाता है और एक्सीडेंट हो जाता है, तो यहाँ पर कम चांस होता है। ये मतलब तीन मेथड उसका था, अगर आपके पास कोई चीज़ बैग की चोरी हो जाती है या अगर आपके डीले है या आपकी एक्सीडेंट हो जाती है तो आपको यहाँ पे कुछ रुपीज़ आपको दे दिया जाएगा।
तो यहाँ पे आपको क्या करना है, पहले वाले यहाँ पे प्रोसीड पहले वाले ऑप्शन को क्लिक करेंगे और यहाँ पे कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। कंटिन्यू पर क्लिक करने से पहले आपको मेल पर क्लिक करना है। मेल पर क्लिक करने के बाद से यहाँ पे दूसरे वाला ऑप्शन इस समय ये नया जुड़ गया है वैक्सीनेशन का, मतलब वैक्सीन का। अगर वैक्सीन आपने लगवाई है तो आपको चूज कर लेंगे हाँ, अगर नहीं लगवाई तो नो। तो आपको यहाँ पर तीसरे वाला ऑप्शन दे रहा है लगेज का, तो यहाँ पर लगेज को चूज करेंगे तो आपका लगेज आपको बता देगा। अगर आपको लगेज ज़्यादा ले जाना है तो यहाँ पर ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। तो यहाँ पर ज़्यादा लगेज बढ़ाएंगे तो आपको ज़्यादा प्राइस भी लगेगा। जिस वाइज आपको 15 kg तो फ्री में ले जा सकते हैं, अगर 15 kg से ज़्यादा आपका है तो प्राइस उस पर मतलब चार्ज उस पर लग जाएगा। तो यहाँ पे आपको कोई भी चूज करना ना, अगर ज़्यादा हो तो यहाँ पर चूज कर लेंगे। चूज करते ही आपको यहाँ पे आप देख रहे हैं कि अगर आपको किस से मतलब सीट को चूज करना है, कि मतलब कौन सा आपका सीट चाहिए, किस तरह का साइड का सीट चाहिए, कि बीच वाला का, मिडिल वाला का, आपको कहाँ का सीट चाहिए, तो इस वाले को क्लिक करेंगे। और यहाँ पर आपको खिड़की वाला चाहिए तो किनारे को यूज करेंगे, ये मिडल है। और इसकी जो जिस यहाँ पर वेटर मतलब घूमते फिरते हैं तो आपको किनारे वाला है। तो तीन लाइन आपकी होती है और किनारे वाला सबसे किनारे वाला है, ये विंडो वाला है। तो विंडो वाला आपको चूज कर लेना है। जैसे आपको विंडो को चूज करेंगे तो आपको चार्ज इस पर लगेगा। तो विंडो को चूज कर लेंगे, उसके बाद से आपको इस तरह का एप्लीकेशन आपके पास पिक्चर ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे क्लिक करेंगे, क्लिक करते ही आपके यहाँ पे पेटीएम का अकाउंट आपका ओपन हो जाएगा। तो जिस अकाउंट का आपका पेटीएम होगा वो आपको यहाँ पे क्लिक कर लेना है। तो जैसे मैं इंटरनेट बैंकिंग है तो यहाँ पे क्लिक किया, और उसके बाद से क्लिक करने के बाद से यहाँ पे किस बैंक का है तो उस बैंक का यहाँ पे क्लिक कर देंगे और पे नाउ पर क्लिक करेंगे। अब वहाँ पर आपको नंबर दे देना है, जो आपका नंबर है, जो आपका इंटरनेट बैंकिंग का जो नंबर है वहाँ पर आपको यहाँ पर फिलअप कर देंगे और पे नाउ पर क्लिक कर देंगे और यह आपका सक्सेसफुल हो जाएगा। जैसे कि आपने देख रहा है कि कन्फर्म टिकट आपका हो गया है। अब बात आती है कि कैसे कैंसिल करते हैं, कैसे इसको डाउनलोड करते हैं अपने टिकट को। तो यहाँ पर जैसे वो कन्फर्म हो जाएगा, तो जैसे यहाँ पर आपने देखा कन्फर्म हो गया है तो आपको क्या करना है कि यहाँ पर कन्फर्म होते ही आपको डाउनलोड ऑप्शन मांगेगा। अगर आपने टिकट को डाउनलोड करना चाहते हैं तो इस वाले को क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही आपको टिकट पर क्लिक करना है। टिकट को क्लिक करते ही आपका यहाँ पे पूरा बायोडाटा उसका ओपन हो जाएगा। जो भी आपको इंस्ट्रक्शन, जो भी आपको नोटिफिकेशन वो बताना चाहते हैं तो इस टिकट का मेथड आपको बता देगा। तो यहाँ पर आपको डाउनलोड कर लेंगे, प्रिंट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब बात आती है कि आपको कैंसिल कैसे करना होता है। अगर आपने कहीं बाई चांस कहीं कर दिया और अपने कैंसिल करना नहीं जानते हैं तो चलिए बता देते हैं कि आपको कैंसिल कैसे करना होता है टिकट का। तो यहाँ आपको आपको देखने को मिल जाएगा, जैसे आपने पेटीएम को अपना ओपन करेंगे और पेटीएम को ओपन करने के बाद से आपको ऊपर वाला देखने को मिल रहा है माई बुकिंग का। तो पहले वाले ऊपर वाले बॉक्स में आपको दिखने को मिल रहा है माई बुकिंग का, तो आपको उस पर क्लिक करेंगे। और जैसे आपने टिकट किया था 5 से 6 तो आपको यहाँ पर क्लिक करेंगे, जो टिकट आपने जिसको कैंसिल करना है उस टाइमिंग को आपको चूज करेंगे, क्लिक करेंगे और क्लिक करते ही आपको यहाँ पर आ जाएगा। जैसे आपने डाउनलोड टिकट कर सकते हैं, दूसरे ऑप्शन पर देख रहे हैं कैंसिल टिकट करना चाहते हैं तो कैंसिल वाले को क्लिक करेंगे। तो कैंसिल पर क्लिक करते ही आपके पास से यहाँ पे क्लिक कर लेंगे और उसके बाद से आपको यहाँ पे रिफंड में कुछ नहीं मिलने वाला, 0 अकाउंट है। तो नीचे वाले को क्लिक करेंगे, यहाँ पे जैसे देख रहे हैं 0 अकाउंट है आपका। और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जैसे प्रोसीड मांग रहा है, अगर आपने कैंसिल करना चाहते हैं तो कैंसिल कर सकते हैं। यहाँ पर आपको इसको क्लिक कर देना है प्रोसीड एंड कंटिन्यू पर। तो यहाँ पर क्लिक करते ही आपको यहाँ पर येस मांगेगा। अगर आपको कन्फर्म करना है कि कैंसिल करना चाहते हैं तो आपको येस पर क्लिक कर देंगे और यस पर क्लिक करते ही आपका यहाँ पे बुकिंग कैंसिल हो गया है। जैसे आप ऊपर देख रहे हैं ये बुकिंग आपका कैंसिल हो गया है और यहाँ पे कोई खतरा नहीं है। और आपका पैसे की जो बात है, वो आपका पैसा जिस मीडियम से आपको भेजे हैं उसी आपको माध्यम में आपके पास पैसा, वो जितना दिए हैं वो उतना ही पैसा आपके साथ आपके अकाउंट में आ जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ मतलब वीडियो आपको समझ में आ गया हो, कैसे आपको मतलब हवाई जहाज़ को टिकट को कंफर्म करते हैं और कैसे उसको कैंसिल करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड शेयर करना मत भूलिए। अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन हो या कोई भी आपको कन्फ्यूज हो तो कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं। तो चलिए वीडियो को समाप्त करते हैं, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना करें तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में अगले दिन मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक्स एंड धन्यवाद।